47 युवा उम्मीदवार हैं। आप दलित की बात करेंगे तो 27 दलित उम्मीदवार हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, गांधीनगर से अमित शाह चुनाव लड़ेंगे। 34 केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाया जा रहा है तो 195 सीटों का ऐलान कर दिया गया है। मनसुख मांडविया पोरबंदर से चुनाव लड़ेंगे, मंत्री मनसुख मांडविया को पोरबंदर से टिकट दिया गया है। वहीं गोड्डा से निशिकांत दुबे को टिकट दिया गया है। उधमपुर से मंत्री जितेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे हजारीबाग से तो मनीष जायसवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। हुगली से एक बार फिर से लॉकेट चटर्जी को उम्मीदवार बनाया गया है। मल्लापुरम से बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है, एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को टिकट दिया गया है। वहीं शशि थरूर के सामने मंत्री राजीव चंद्रशेखर चुनावी थाल ठोकते हुए नजर आएंगे। सबसे ज्यादा नजर शिवराज सिंह चौहान को लेकर थी तो शिवराज सिंह चौहान का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। उन्हें विदिशा से चुनाव लड़वाया जा रहा है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया वाली जो सीट थी उस पर फैसला करना मुश्किल समझा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन यहां से अब यह तय हो गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ेंगे, यानी गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान विदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको बताएं बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल चुनाव लड़ेंगे और भूपेंद्र यादव पर सबकी नजर टिकी हुई थी कि आखिर भूपेंद्र यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्हें बाबा बालकनाथ वाली जो सीट है यानी कि अलवर जो सीट है वहां से चुनाव लड़ाया जा रहा है। कोटा से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला चुनाव लड़ेंगे और झालावाड़ से वसुंधरा राजे के बेटे को टिकट दिया गया है। आप अगर इन टिकट वितरण को फिलहाल देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़ा कोई बदलाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, बड़े नाम इस लिस्ट में आप जरूर शामिल होते हुए देख सकते हैं। देवेंद्र का हम सीधा रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, इसी ऐसे ही उम्मीदवारों की आपने उम्मीद की थी, क्या बदलाव या क्या सरप्राइजिंग फैक्टर आपको नजर आया इस लिस्ट में? बहुत ज्यादा नहीं प्राची, क्योंकि जैसे कि पहले हम लोग बात कर रहे थे कि पहली लिस्ट से कोई विवाद पैदा करने की कोशिश नहीं की जाएगी ताकि डिस्कशन का पॉइंट वो हो जाए। आप अंदाजा लगाएं कि अगर पीलीभीत या सुल्तानपुर में फैसला हुआ होता तो डिस्कशन अभी क्या हो रहा था, तो उससे बचने की कोशिश नजर आ रही है। कुछ नाम उत्तर प्रदेश के लिहाज से आप बात करें तो एक नाम ही मुझे दो नाम ऐसा है जो कि थोड़ा सरप्राइज के तौर पर आपको दिखेगा, सरप्राइज नहीं, एक नाम उनमें से तय था, दूसरा सरप्राइज के तौर पर, अन्यथा अधिकांश नामों को अगर आप देखें तो आपको एकदम से एक्सपेक्टेड लाइन पे है। सरप्राइज में जिसको कह रहा हूँ वो जौनपुर कृपा शंकर सिंह, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी के एक विधायक भी हैं जो कि लगातार कोशिश कर रहे थे उस सीट के लिए। दूसरा नाम आप देखें तो वो ध्यान देने वाली बात इस लिहाज से है कि उनका अपना राजनीतिक करियर तो अभी कोई बहुत नहीं है, लेकिन उनके पिताजी एक बहुत चर्चित नाम है और जैसे मैं आपको नाम बता रहा हूँ आपको बात समझ में आएगी। श्रावस्ती से जो कैंडिडेट हैं वो नृपेंद्र मिश्रा, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, अभी राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन हैं, उनके सुपुत्र हैं वो, और उनको बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और पहले उनको एमएलसी बनाया गया था, उनको श्रावस्ती से चुनाव लड़ाया जा रहा है। वो एक नाम आप ऐसा कह सकती हैं जो कि बहुत लोगों ने उसे एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, लेकिन जो उनकी प्रोफाइलिंग है समझा जा सकता है कि पार्टी के लोग कितने बड़े एसेट साबित हो सकते हैं। इसके अलावा वेस्टर्न यूपी की अगर आप बात कर लें तो वेस्टर्न यूपी में कोई भी नाम ऐसा नहीं है जो अभी तक सरप्राइज है। गाजियाबाद को लेकर लगातार संदेह रहा है कि गाजियाबाद के कैंडिडेट बीके सिंह, जो कि उनको बदला जा सकता है, इस सूची में भी उनसे बचा गया है। इसके अलावा नोएडा की अगर बात कर लें, मथुरा की बात करें, अलीगढ़ की बात करें, बुलंदशहर की बात करें, कैराना की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, ये सारे एक्सपेक्टेड लाइन पर ही थे और माना जा रहा था कि इनको टिकट मिलेगा। यहाँ पर आपको कोई बहुत सरप्राइज नहीं है। सबसे बड़ा सरप्राइज अगर इस 195 आप कहें तो उसके लिए दिल्ली है, और उसमें भी बांसी स्वराज, जो कि नई दिल्ली वाली अगर सीट की बात करें तो हालांकि इसके इंडिकेशन लगातार मिल रहे थे, लेकिन वो एक बड़ा फैसला है कि बांसी स्वराज को अचानक से आप लोकसभा का चुनाव लड़ाते हैं, सुषमा स्वराज की वो बेटी हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनकी प्रोफाइलिंग की जा रही थी पिछले 1.5-2 साल की अगर आप बात करें तो उससे ये बात समझ में आ रही थी कि पार्टी की ये रणनीति है कि क्योंकि युवा हैं, ऑलरेडी लिगेसी में उनकी राजनीतिक समझ मिली हुई है, बहुत कुशल वक्ता है, बहुत तरीके से वो बातचीत करती हैं, होमवर्क बहुत करती हैं अगर टीवी डिबेट में उनको आना हो तो इन सारी खूबियों के आधार पर पार्टी उनका जिस तरीके से इस्तेमाल कर रही थी उससे ये समझ में आ रहा था कि पार्टी इनको किसी बड़े रोल पे देख रही है। और जब पैनल में नाम आया उनका नई दिल्ली पे तो और ज़्यादा हैरानी हुई, और अब जबकि नाम का अनाउंसमेंट हो गया तो आप समझ सकती हैं कि वो एक बड़ा सरप्राइज है दिल्ली में बहुत सारे लोगों के लिए। हालांकि दिल्ली बीजेपी के जो लोग क्लोजली फंक्शनिंग को देखते हैं वो इस बात को कह रहे थे कि बांसी स्वराज को नई दिल्ली दिया जा सकता है। मीनाक्षी लेखी जो कि विदेश राज्य मंत्री हैं उनका टिकट काटा गया है। इसके अलावा दूसरा सरप्राइज आप दिल्ली में देखेंगे, प्रवेश वर्मा, साहिब सिंह वर्मा के सुपुत्र, उनका टिकट काटा जाना
और उनका टिकट जो काटा गया है और एक महिला को वहाँ पर टिकट दिया गया है, वो काउंसिलर रही हैं, साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की चेयरमैन भी रही हैं और पार्टी संगठन से जुड़े हुए काम को बहुत प्रमुखता से सराहत करते रही हैं। वहाँ पर उनको तरजीह दी गई और उनको टिकट दिया गया, वो भी एक सरप्राइज के तौर पर आप कह सकते हैं। तीसरा बड़ा झटका लगा रमेश विधोड़ी को, वो झटका निश्चित तौर पर बहुत बड़ा प्राची आप समझ सकती हैं, इस लिहाज से कि पार्टी संगठन में उनके कामकाज को लेकर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पिछले दिनों जो पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब पेश किया गया था और जब वो पास हो रहा था उस विशेष सत्र में, जिस प्रकार की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया था एक अपोजिशन के सांसद के ऊपर, उसके बाद शीर्ष स्तर पे इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा नाराजगी थी। हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि संगठन में जो उनका कामकाज रहा है उसके आधार पर शायद उनको एक अवसर मिल जाए, लेकिन वो हुआ नहीं और वो उनके लिहाज से एक बड़ा झटका उनको होगा कि अगर ऐसी बयानबाजी करते हैं तो पार्टी कितना सख्त फैसला लेती है, वो किया गया। दिल्ली बीजेपी के नेताओं से जब हमने बात की थी चुनाव समिति की बैठक से पहले, तो वो तय मान रहे थे कि रमेश विधोड़ी का भी टिकट फाइनली हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड पे बहुत काम करने वाले नेता के तौर पर रहे, लेकिन समझा जा सकता है कि ये बयानबाजी शायद उन पर भारी पड़ गई है। दिल्ली में अभी दो सीटों का अनाउंसमेंट होना बाकी है। चांदनी चौक की बात करें तो आपको ध्यान होगा कि बिजनेसमैन का जो समूह है, संगठन है CII, प्रवीण खंडेलवाल उसके चेयरमैन हैं और उनको पार्टी चांदनी चौक से उतार रही है। चांदनी चौक तो पूरा बिजनेसमैन का ही इलाका है और उस लिहाज से आप समझ सकती हैं कि उनकी इक्वेशन ऑलरेडी बहुत बेहतर वहाँ पर है और इस चुनाव में पार्टी उनको मुफीद मान रही है और डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काटकर उन्हें वहाँ चुनाव में लड़ाया जा रहा है। मनोज तिवारी निश्चित तौर पर ये बता रहा है कि उनकी ताकत कैसी है कि जब इतने सारे सिटिंग सांसदों के टिकट भी काटे जा रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड पे उन्होंने लगातार अपना संपर्क बनाए रखा लोगों के लिए, लोगों के सुख दुख में हमेशा शिरकत करते रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ उनका तालमेल बहुत अच्छा है, मृदुभाषी हैं, बहुत आसानी से सबके लिए उपलब्ध रहते हैं। इन सारे फैक्टर के आधार पे इस दिल्ली में जिसमें इतने सारे सिटिंग सांसदों के टिकट काटे जा रहे हैं उसमें भी पहली लिस्ट में उनका नाम आना निश्चित तौर पर बताता है कि पार्टी का जो अपना फीडबैक सिस्टम है वो कितना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है कि अगर आपने अच्छा किया है तो आपको अवार्ड मिलेगा, अगर आपने कुछ गलती की है तो उसका कोर्स करेक्शन किया जाएगा। अच्छा, दिल्ली ने तो सबको चौंका दिया, 5 अभी तक नाम का ऐलान हुआ है जिसमें बस एक ही सिटिंग सांसद है जिनको टिकट दिया गया है, लेकिन इसके अलावा मध्य प्रदेश पर भी सभी की निगाहें थी। शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया की कौन सी सीट होगी, ये दोनों ही पहली लिस्ट में साफ हो गया है। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं और जो मुश्किल फैसला माना जा रहा था उसे भी बीजेपी ने बड़ी आसानी से ले लिया है। केपी यादव नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। देवेंद्र जी हाँ बिल्कुल, और वो वाकई बहुत दिलचस्प है। जैसे केपी यादव के लिहाज से सोचें तो उनके लिए एक बड़ी मुश्किल वाली स्थिति होगी कि अब वो उनके आगे की राजनीति किस प्रकार से वो आगे बढ़ाना चाहेंगे, उनके लिए एक बड़ा झटका है। और दूसरी बात कर लें कि विदिशा जो कि शिवराज सिंह चौहान एक्सपेक्टेड था कि माना जा रहा था और अब समझा जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान अगर चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद केंद्र में अगर सरकार बनती है नरेंद्र मोदी की, जिसकी पूरी संभावना जताई जाती है, तो शायद उनको मंत्रिमंडल का बर्थ भी मिले। तो ये दो नाम ऐसे हैं जो कि आपको ऐसा लगेगा कि क्योंकि बड़े नाम थे मध्य प्रदेश के लिहाज से। बाकी नामों की अगर आप बात कर लें तो इसमें कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। गणेश सिंह पिछला चुनाव हारे थे विधानसभा का, उनको मौका दिया गया, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। फगन सिंह कुलस्ते पिछला विधानसभा चुनाव हारे, उनको मौका दिया गया, तो वो भी एक्सपेक्टेड लाइन पर ही था। छत्तीसगढ़ में एक नाम जरूर आपको दिलचस्प नजर आएगा, छत्तीसगढ़ में कुछ सिटिंग सांसदों के टिकट काटे गए हैं, उसमें दिलचस्प नाम है बृजमोहन अग्रवाल। विधायक हैं, 7 बार के वो विधायक हैं, अभी मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में, अभी भी चुनाव हुआ है, उनको मंत्री बनाया गया है, उच्च शिक्षा का मंत्री, और उनको वहाँ पर रायपुर की जो कि सुरेश सोनी सिटिंग सांसद हैं उनका टिकट काट के रायपुर की सीट पर उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के लिहाज से वो एक सरप्राइज वाला नाम जरूर है कि अभी कुछ महीने पहले ही वहाँ पर चुनाव हुए, तो जो व्यक्ति मंत्री बना हो उसको चुनाव में लड़ाया जा रहा है। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज नज़र नहीं आ रहा है। प्राची, तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट सामने आ चुकी है, 195 सीटों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कमोवेश यथास्थिति बनाकर रखी गई है, बहुत ज्यादा चौंकाने की कोशिश नहीं की गई है। हालांकि छत्तीसगढ़ में बदलाव किया गया और सबसे ज्यादा अगर चौंकाया है तो वो दिल्ली ने चौंकाया है। दिल्ली में अभी तक 5 सीटों का ऐलान किया गया है और इन 5 सीटों में से आप समझ सकते हैं कि सिर्फ मनोज तिवारी हैं जो अपनी सीट को रिटेन करने में कामयाब रह पाए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान